कसौल पंचायत में नर्सिंग हाइड्रो पावर कंपनी के नाम से प्रोजेक्ट लग रहा है, जिसके विरोध में पंचायत के प्रतिनिधि, होटल एसोसिएशन, महिला मंडल और युवक मंडल ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें साफ तौर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न लगाने की मांग की गई है। स्थानीय निवासियों ने इस प्रोजेक्ट के लगने का कड़ा विरोध किया। लोगों का कहना है कि प्रोजेक्ट लगने से यहाँ के लोगों को काफी नुकसान होगा। कसौल पंचायत में कसौल छलाल गांव के बीच में प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। पार्वती नदी का पानी पहले ही NHPC पुलगा से सैंज ले जाया जा रहा है, जिससे नदी का पानी बहुत कम हो गया है और इस प्रोजेक्ट के लगने से मणिकरण कसौल में पानी सूख जाएगा। ये नदी सूखा नाला बनकर रह जाएगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लगने से आगे के गाँव भी प्रभावित होंगे। बहुत से गाँव के लोग सिंचाई के लिए पार्वती नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। यदि ये पानी सूख जाता है तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आएगी। इस प्रोजेक्ट के लगने से प्राकृतिक गर्म पानी के चश्मे भी प्रभावित होंगे। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन ठाकुर ने बताया कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि मणिकरण कसौल छलाल कटागला के मध्य नर्सिंग हाइड्रो पावर कंपनी छोटा प्रोजेक्ट लगा रही है। इस प्रोजेक्ट के विरोध में कुछ और पंचायत के अंतर्गत आने वाले लोग भी आए हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त से मांग की गई है कि ये प्रोजेक्ट ना लगाया जाए। हमें ज्ञात हुआ है कि मणिकरण और छलाल कटागला सुमारोपा के बीच में नर्सिंग हाइड्रो पावर कंपनी जो एक छोटा प्रोजेक्ट लगा रही है। हमने कसौल पंचायत ने, होटल एसोसिएशन ने, महिला मंडल ने, युवा मंडल कसौल ने और सारे जितने भी हमारे गांव के निवासी हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल मिला। हमने उपायुक्त महोदय को से ये अनुरोध किया कि जो ये प्रोजेक्ट लग रहा है ये नहीं लगना चाहिए। इसके लगने से जो है वो पार्वती नदी सूख जाएगी, क्योंकि पार्वती नदी का पानी जो है वो पहले ही NHPC जो है वो सैंज ले जा रही है और वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो देश विदेश के पर्यटक आते हैं, पर्यटक पार्वती की नदी की खूबसूरती को देखते हैं, वो नाले में बदल जाएगी और वहाँ पे हमारे गर्म पानी के स्रोत है उस नदी के किनारे कसौल में, वो भी सूख जाएंगे, वातावरण दूषित हो जाएगा, पार्वती नदी दूषित हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कड़ा विरोध है कि इस प्रोजेक्ट को ना लगाया जाए। अगर कंपनी वाले ये कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो मणिकरण से ऊपर लगाएं, उसमें कोई हमारा विरोध नहीं है, परंतु हम मणिकरण से लेकर सुमारोपा और डुंखरा तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे। आज तक जो लगे वो लग गए, परंतु इसके बाद जो है कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। एक तो जो प्रोजेक्ट लग रहा है उससे हमारा पूरा पानी सूख जाएगा। पार्वती नदी का पानी पहले ही ऊपर पुलगा से सेंज गया है, तो उसके बाद छोटे छोटे नाले रहते हैं, वो भी वहाँ से सूख जाएंगे, तो हमारा बिल्कुल ही पानी बंद हो जाएगा। तो इससे हमारे यहाँ पर्यटक भी नहीं आएंगे, लोगों का रोज़गार ठप हो जाएगा, तो वहाँ पर कचरा ही कचरा होगा। इसलिए जो है हम इस प्रोजेक्ट को लगने नहीं देंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी की क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू